मैं दुनिया में अगर कोई काम करने के लिए भेजा गया तो मोहब्बत करने के लिए भेजा गया। गुलाबों से कम दिखाई देते हैं, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। शरीफ लोग मैंने देखी नहीं, बात अपने कह रहा हूँ, खुद आप खुश आप हो रहे हैं। नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। ताली बजा सकते हैं आप। तो इससे आपने ये बता दिया कि आप जब बजाने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे की बजा देते हैं। अगर शेर आप चौके, ये दो मैं 2018 का शायर हूँ, मेरे शब्द शायरी में बीच बीच में आपको नजर आऊंगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जो महसूस किया मैंने उसे शेर बनाया। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतने, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। अच्छे लेकिन मानिए इसमें शरीफ लोग मैंने देखे नहीं, बात अपने कह रहा हूँ, खुद आप खुश आप हो रहे हैं। सुनिए एक शेर और पढ़ता हूँ, और लेकिन रियलिटी ये है, जितना अच्छा आपने सुना है भाई, जिस वक्त प्रख्यात पढ़ रहा था, बड़े भी रमेश मुस्कान जी बैठे हैं, तो मैं उस वक्त कह रहा था इतने अच्छे सुनने वाले अगर देश में मिल जाए तो हम लोग सिर्फ कविता सुनाने लग जाए। मैंने जो महसूस किया जब जब कोई दर्द पेश किया गया, जब जब कोई देश की बात रखी गई, आपने पूरी तरह जिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने भी ढेर सारी दुआएं दी हैं, लेकिन इस शेर पर जो मैं आपके बीच रख रहा हूं, एक बार मुझे ताली बजाकर बताइएगा मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, दिलों के काफले रुक ही नहीं सकते दमाहों से, कितने भी स्पेड बन जाए हमको वही करना है जो करने आए हैं। हमें इस दुनिया में अगर कोई काम करने के लिए भेजा गया तो मोहब्बत करने के लिए भेजा गया। आप कभी तन्हाई मेरे इस जुमले को सोचिएगा, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो मैंने कहा। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको जिया जा सकता है वो सिर्फ मोहब्बत है। चौथी लाइन में मुझे ये बताएं कि मैं उन लोगों के बीच खड़ा हूं जो शायद मेरे जुमले से इत्तफाक करते। सुने, दिलों के काफले रुक ही नहीं सकते दमाहों से, जमाने भर की हर कोशिश यहां बेकार जाती है, मोहब्बत करने वाले दिल हुकूमत से नहीं डरते, मोहब्बत करने वाले दिल हुकूमत से नहीं डरते, मोहब्बत करने वालों से हुकूमत हार जाती है। बड़ी शोक है वो लड़की
बाबा तो करे बड़ी शो। अच्छा वो पूछ रहा कौन सी, तुझको नहीं पता। मैं कभी केजरीवाल नूर साहब ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। इस मतलब को अगर आपने जी लिया मुझे अच्छा लगेगा, सुनेगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। ये मेरा सबसे अच्छा शेर था जिसको आपने सबसे खराब तरीके से सुना। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम सुने, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, बाबा करो। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी। कुछ भी कहे लेकिन मैंने ये महसूस किया आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं देखता हूं ज्यादा अच्छा सुनता कौन है। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी है। कोई कुछ भी कहे पगली, बस इतना